गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। हम अभी कंटिन्यूअस एक्सरसाइज 11.4 की एक्सरसाइज नंबर 1 के 7 नंबर तक हमने सम्स किए थे। ओके, तो यहाँ हमें ये जो दिया हुआ है वो इक्वेशन है या नहीं है वो बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दिया हुआ है वो इक्वेशन है या नहीं है। तो उसकी दो कंडीशंस मैंने बताई थी, एक है कि उसमें वेरिएबल होना चाहिए और सेकंड कि उसमें इज इक्वल टू की साइन होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन है, अदरवाइज हम लिखेंगे नो। जैसे ये 7 नंबर तक हम पहुँचे थे, 2m < 30, तो मैंने नो लिख दिया। या आप बोलोगे कि वेरिएबल तो दिया हुआ है एम, पर हमें दो कंडीशन, हमारी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इक्वेशन है। यहाँ एक कंडीशन तो हो गई कि वेरिएबल एम है, पर यहाँ ये कौन सा सिंबल है, लेस देन, कौन सा होना चाहिए, इज इक्वल टू, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दिया हुआ है वो इक्वेशन नहीं है, तो हम नो लिख देंगे। अब नेक्स्ट नंबर 8 लिखेंगे। 8 नंबर, यहाँ आप देखो कि 2n + 1 = 11, तो यहाँ वेरिएबल है n और साइन कौन सी दी है, इज इक्वल टू, तो ये है यस, दिस इज अ प्रॉपर इक्वेशन। तो रीजन हम लिखेंगे n इक्वेशन विथ वेरिएबल n। ओके, ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक इज इक्वल टू की और दूसरी वेरिएबल की। तो हम लिखेंगे यस, फिर लिखेंगे एन इक्वेशन विथ वेरिएबल एन। अब देखो ये यहाँ आपको कहीं भी एक वेरिएबल दिख रहा है, इज इक्वल टू है चलो, बट देयर इज नो वेरिएबल, तो हम लिखेंगे नो। ओके, नो वेरिएबल, इसका रीजन है कि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिए हैं, ओनली नंबर्स ही दिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं बन रहा है। नाउ 10 नंबर, तो यहाँ देखो 7 = 11 × 2 + 3, तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें, देखो 11 × 22 + 3, फिर इज इक्वल टू, तो साइड चेंज कर दे, 22 + 3 = 7, तो ये यहाँ पर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इज इक्वल टू भी है और वेरिएबल भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंड इक्वेशन विथ वेरिएबल पी। ओके, कौन सा वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है हमको, पी वेरिएबल, तो हम कह सकते हैं कि जो 7 = 11 × 2 + p है, तो हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसको फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म बन रहा है उसका। ओके, सो हम लिख सकते हैं यस एंड इक्वेशन विथ वेरिएबल पी। अब देखो यहाँ 20 = 5y, इसको मैं साइड चेंज कर दूँ तो ये तरह का इक्वेशन पॉसिबल है,
यस पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल भी दिया है और इज इक्वल टू का सिंबल भी दिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस एन इक्वेशन विथ वेरिएबल वन. ओके यस दिस इज इन इक्वेशन फॉर प्रॉपर इक्वेशन बिकॉज दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक तो वेरिएबल वाई भी दिया है और साइन है बीच में इज इक्वल टू भी, तो ये दोनों ही इक्वेशन है, तो हमने दोनों के लिए यस लिखा. थ्री क्यू अपॉन टू लेस देन फाइव, तो यहाँ तो लेस देन सिंबल है तो पहले ही नो बोल देंगे हम, ठीक है. यहाँ इज इक्वल टू होना चाहिए, वेरिएबल दिया है यहाँ पर हमको क्यू, पर ये सिंबल नहीं आना चाहिए तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो. अगर यस है तो ही हम रीजन लिखेंगे, नो है तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है. ओके अगर यस है तो हम उसका वेरिएबल दिखा देंगे कि एन इक्वेशन विथ एक्स वेरिएबल एन इक्वेशन विथ वाई वेरिएबल, पर अगर नो है दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम नो लिख देंगे. नो लिखेंगे तो हमको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, नो मीन्स नो, ये इक्वेशन नहीं बन रहा. ओके तो यहाँ ये लेस देन का सिंबल है तो यहाँ नो लिखेंगे. अब यहाँ देखो जेड प्लस ट्वेल्व ग्रेटर देन 24 ग्रेटर देन है तो ये भी नो, इट इज नॉट एन इक्वेशन. 14 नंबर देखो, आपको सारे नंबर से दिख रहे हैं, कहीं भी वेरिएबल नहीं दिख रहा तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे नो, नो देयर इज नो वेरिएबल्स. यहाँ पर वेरिएबल है, इसमें क्यू वेरिएबल है, इसमें जेड वेरिएबल है, पर यहाँ सिंबल गलत दिया है. ओके और यहाँ पर इज इक्वल टू का सिंबल है तो वेरिएबल नहीं दिया है. दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ही हम कह सकते हैं कि हाँ ये इक्वेशन है, इट्स अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, अदरवाइज वी विल राइट नो. अब 15 नंबर देखो, यहाँ पर वेरिएबल है यस एक्स दिया और इज इक्वल टू की साइन है तो ये इक्वेशन है. ओके यहाँ हम यस लिखेंगे और लिखेंगे एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स. ओके एन इक्वेशन विथ वेरिएबल एक्स, दोनों ही कंडीशन इधर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, कि इज इक्वल टू की साइन भी है और वेरिएबल भी दिया हुआ है. तो ये हमारा 15 तक एक्सरसाइज 1 के 15 तक के सम्स कंप्लीट हुए. ओके अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं.
देखो पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ वाला है। कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ हमें अपनी वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ, वाई की वैल्यू है यहाँ नॉट सेम नंबर,
तो इज नॉट इक्वल टू, तो हमने यहाँ लिख दिया नो। अब डी नंबर, फोर एल इज इक्वल टू 20, ओके, फोर एल इज इक्वल टू 20, जहां हमें एल के लिए लिखना है 20। फोर एल इज इक्वल टू 20, जिसमें वेरिएबल एल है, एल की वैल्यू हमको 20 दी है, जो हमने इसके अंदर रखी, फिर सिंप्लीफाई किया, तो 24 is 80, विच इज नॉट इक्वल टू 20। सो हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड, दोनों साइड यहाँ पर सेम नहीं हो रहे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर नो लिख दिया। अब ई नंबर, ई नंबर फोर एल इज इक्वल टू 20, जहां हमें एल की वैल्यू दी है 80, ओके। आप देख सकते हो कि यहां पर जो ई नंबर का इक्वेशन है वो है 4L इज इक्वल टू 20, जिसमें हमें L की वैल्यू रखनी है 80, तो हमने L की वैल्यू 80 रखी, तो 8 4 32, पीछे 0 लग गया, 320 इज नॉट इक्वल टू 20, हमारी राइट हैंड साइड क्या थी 20, तो दोनों साइड सेम नहीं हुई, नॉट इक्वल टू, तो हमने यहाँ पर नो लिख दिया। अब इसी टेबल में आगे सब हम लिखते जाएंगे। तो ई के बाद हम एफ से स्टार्ट करेंगे, एफ जी एच आई जे, जे तक लिख देंगे हम, एफ में हमको इक्वेशन है 4L इज इक्वल टू 20, जिसमें हमें L के लिए वैल्यू दी गई है 5, अभी जिस तरह से सम्स थे वही सम्स हैं, यहाँ से ये नंबर सीरियल नंबर चेंज हो गए, एफ सॉल्व करेंगे हम। यहाँ हमें इक्वेशन दिया है 4L इज इक्वल टू 20, जहाँ हमें L की वैल्यू है 5 रखनी है, ओके, तो 4L इज इक्वल टू 20, 4 इन द ब्रैकेट 5 इज इक्वल टू 20, 4 5 20 इज इक्वल टू 20, दोनों साइड सेम हो गई, LHS इज इक्वल टू RHS हो गए, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यस, ओके, हमारी कंडीशन है कि दोनों साइड की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो हम यस लिख सकते हैं। अगर दोनों सेम नहीं हुई तो हम क्या करते हैं, इज नॉट इक्वल टू और नो लिख देते हैं। नाउ जी नंबर, बी प्लस 5 इज इक्वल टू 9, जहां बी की वैल्यू दी है हमको 5,
The 5 plus 5 is equal to 9. 10 is equal to 9. Possible है? Is equal to. 10 is not equal to 9. तो हम यहाँ पर लिख देंगे no. अब h के लिए करते b plus 5 is equal to 9. Where b की वैल्यू है 9. Okay, तो 9 plus 5 is equal to 9. 14 is equal to 9. No. तो यहाँ पर भी आएगा no. देखो मैंने दो sums साथ में बताए. b plus 5 is equal to 9, जहाँ b की वैल्यू है 9. तो b के बदले 9 लिख दिया मैंने. तो 9 plus 5 14, और हमारी राइट साइड तो है कितनी 9. तो 14 is not equal to 9. तो ये दोनों में no लिखेंगे. अब i and j दोनों साथ में कर देंगे. आई नंबर में भी हमें इक्वेशन दिया है b plus 5 is equal to 9, जहां b की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 4. तो 4 plus 5 is equal to 9 is equal to 9. बोथ साइड सेम? यस. तो यहां पर हम लिखेंगे यस, दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड हियर. अब j के लिए h minus 8 is equal to 5, जहाँ h की वैल्यू है 13. 13 minus 8 कितने होते हैं 5. 5 is equal to 5, तो yes लिख देंगे. ओके, तो इस तरह से ये सम सॉल्व होते हैं. अभी और आगे मैं लिख देती हूँ. K L M N यहाँ तक ही करते हैं, सेम मेथड है सब में. ओके, अभी इसी मेथड के हिसाब से तो भी मैं मैक्सिमम आपको करवा रही हूँ. जैसे के नंबर में देखो h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, तो h की वैल्यू दी है 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 5. 0 इज इक्वल टू 5 पॉसिबल है? नहीं है. तो हम यहाँ लिख देंगे नो. अब l नंबर करेंगे h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, जहाँ हमें h की वैल्यू दी गई है 0. तो 0 माइनस 8 इज इक्वल टू 5. माइनस 8 इज इक्वल टू 5? नो. यहाँ पर भी लिख देंगे नो. फिर हम m करेंगे p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, जहाँ p की वैल्यू दी है 3, तो 3 लिखेंगे. 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1. 6 इज इक्वल टू 1? नो. तो हम यहाँ नो लिख देंगे. और n नंबर में यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ. p plus 3 is equal to 1, जहाँ p की वैल्यू दी है 1. तो 1 plus 3 is equal to 1. 1 plus 3 4 is equal to 1 होता है? नहीं होता है. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? नो. ओके, तो इस तरह के सम हमने किए. पूरा टेबल दिया हुआ था जिसमें सीरियल नंबर, इक्वेशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और जो थर्ड कॉलम है यस नो वाली, वो हमको फिलअप करनी होती थी. तो हमने क्या किया कि पहले इक्वेशन हमने लिख दिया, फिर इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यू दी गई है वो वैल्यू रखी. ओके, सभी में आप देख सकते हो इक्वेशन की वैल्यू रखी, और फिर वो वैल्यू रखने के बाद अगर दोनों साइड की वैल्यू सेम टू सेम हो रही है तो हम यस लिखेंगे. इसमें सारे नो वाले हैं, अदरवाइज हम नो लिखेंगे. आप देख सकते हो जैसे k है h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, जहाँ हमें h की वैल्यू दी थी 8, तो h के बदले मैंने 8 लिख दिया. ठीक है,
8 माइनस 8 0 0 और सामने है 5, तो दोनों सेम नंबर नहीं है। तो ये सब पे एल एम एन सब पे इसी तरह से हुआ है कि दोनों साइड की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम नो लिख देंगे। तो आज हमने इस तरह के सम्स की फिर इक्वेशन है या नहीं है, यस और नो बताना था, तो उसकी दो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, ठीक है। क्या दो कंडीशन थी? कि एक तो उसमें वेरिएबल होना चाहिए, ओके, और दूसरा उसमें इस इक्वल टू की साइन होनी चाहिए। ये सारे जो यहाँ पर इक्वेशन दिए हैं आप देख सकते हो, सब में क्या है? वेरिएबल, ओके। दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो